राजीव गांधी खेल परिसर में आज जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। हरियाणा पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज ऐतिहासिक नगर रोहतक में अपना प्यारा तिरंगा फहराकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत माता को स्वाधीन करवाने, स्वाधीन भारत को आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली बनाने में हरियाणा के लोग कभी पीछे नहीं रहे। रोहतक जिले के बहादुर लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहाँ के लगभग 400 लोगों ने